डर स्टूडेंट्स होप यू आर ऑल फाइन इन द प्रीवियस लेक्चर यू कम टू नो दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते वी हैव एंड इन्वेस्टमेंट हाउ दिस टू कंपोनेंट बिहेवस इट टूडे पहले हम लेंगे कंजप्शन स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंज्शन इसे हम कंजप्शन फंक्शन कहते कंजप्शन फंक्शन कहते ठीक ये पहले आपको मालूम होना चाहिए कंजप्शन फंक्शन होता है क्या है देखिए जो पैसा लोग खर्च करते हैं गुड्स और सर्विसेज पे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली जो पैसा खर्च कर इसे हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते यानी द अमाउंट ऑफ मनी The amount of money spent by people on purchase of goods and service in order to satisfy their wants directly is called consumption expenditure. इसे consumption expenditure right? For example, the total income of an economy is rupees five thousand crore. Or in five thousand crore, में से ये rupees four thousand crore. खर्च करते हैं किस पे कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे देन इट विल बी सेड दैट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज रुपीज फोर थाउजेंड करोड़ ये फोर थाउजेंड करोड़ क्या है कंजप्शन एक्सपेंडिचर ठीक जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है इट मेनली डिपेंड्स ऑन इनकम कंजप्शन डिपेंड्स ऑन इनकम या कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन इनकम वो जो ये रिलेशन है कंजप्शन और इनकम के बीच इसे हम कंज्शन फंक्शन कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन बिटवीन कंजन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन इसे हम कंज्शन फंक्शन कहते हैं राइट right? जिसका मतलब ये हम लेंगे ये जो कंज्शन है ये फंक्शन है किसकी इनकम की सी इज़ आवर कंजन वाईज इनकम एफ इज दशन राइट कंजन इज ए फ देखिए होता क्या है जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन इनकम कंजप्शन इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन इनकम हाउ एवर इंक्रीज इन कंजप्शन इज़ लेस देन इंक्रीज इन इनकम लेकिन जो कंजप्शन होती है इंक्रीज इसकी जो है एक इनकम की इंक्रीज से कम होती है In other words, consumption does not increase at the same rate as the income does. Consumption is not Jis same rate hamari income. Right? So, this relation, study let's take a figure or a diagram in the Keynesian framework. The diagram will explain to you how consumption behaves in relation to income. देखिए हमने एक डायग्राम ली है इस डायग्राम में हम इनकम एक्स एक्सिस से लेते हैं और कंजप्शन वाई एक्स पे लेते हैं ठीक ये जो फोर्टी फाइव डिग्री लाइन है इट इज आवर इनकम करो और ये जो है इट्स आवर कंजप्शन करो और इस डायग्राम में आप क्या देखते हैं जो ओ सी है ये मिनिमम कंजप्शन मिनिमम कंजप्शन लेवल इट मस्ट बी इनकर्ड इवन वेन इनकम इज जीरो जब हमारी इनकम जीरो है

पीपल सेव पार्ट ऑफ देर इनकम यहाँ इनकम ज्यादा है इनकम कंजन से ज्यादा है और जो ये हिस्सा बचता है इससे पीपल सेव करते सेव करते और इस क्यू से पहले जो लेवल ऑफ इनकम है विच इज लेस देन रिकायड फॉर द कंजन ठीक है ना ऐसी सूरत में क्या होता है यहाँ नेगेटिव सेविंग्स होती है और पीपल तो ठीक है ना तो इस हिस्से में लोग दे रिलाय ऑन पास्ट सेविंग्स या नेगेटिव सेविंग्स वो तो नेगेटिव बन जाते हैं फिर क्योंकि जब हम पास्ट सेविंग्स में से खर्च करते हैं या इफ वी रिजॉर्व टू तो बोरोविंग अगेन इट नेगेटिव ठीक तो हम यहां कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू सरवाइव

अगर हमारी इनकम फिर से राइज हो रही है तो लोग पूरा जो उनका इनकम है पूरी इनकम है दे डू नॉट स्पेंड इट ऑन कंजप्शन दे सेव यानी क्यू से एबो के हिस्से में सेव इनकम ज्यादा है कंजप्शन कम है तो जो पैसा बचता है ये सेव होता है इस हिस्से में आए यहाँ नेगेटिव सेविंग्स होती है और यहाँ पॉजिटिव सेविंग ठीक तो दिस इज द सिंपल बिहेवियर ऑफ द कंजप्शन कंजप्शन क्या जिसे हम कंजप्शन फंक्शन कहते हैं और इस चीज को और ज्यादा समझने के लिए वी हैव टू स्टडी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजप्शन फंक्शन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझना है

ratio between consumption and income or a schedule showing various amounts of consumption which correspond to different levels of income a schedule which shows various various amounts of consumption which corresponds to

राइट वी जनरली राइट इट एज सी बाय वाई रेशियो ऑफ कंज़प्शन टू इनकम एंड मार्जिनल हम लिखते हैं हाउ डीज टू कंपोनेंट्स टू आस्पेक्ट्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बिहेव एक ऐसे काम करते हैं हाउ कैन वी एक्सप्रेस वी विल डिस्कस इट इन लेक्चर तब तक के लिए यू हैव टू की रिलेशनशिप बिटवीन कंजन एंड इनकम एंड प्रोपेंसिव टू कंज्यूम इज द रेशो द रेशन कंजम्शन एंड इनकम राइट आज के लिए इतना काफी है थैंक यू वेरी मच है नाइस डे